दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी स्नैक जो आप सुबह या फिर इवनिंग में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और इसे हम बनाने वाले हैं घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। हेलो एवरीवन, इट्स मी पूजा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसे दाल और चावल से बनाया है, इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं और सारे मसाले और थोड़ी सी मिर्ची डालकर इसे पीस लिया। अब इसमें मैंने ऊपर से ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रंचीनेस के लिए इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। दोस्तों, इसे हम 2 मिनट के लिए मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें फिलिंग के लिए लिया है आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया। यहाँ पर मैंने तेल लिया है, उसमें डाल दिया है मस्टर्ड सीड और इसमें डाली है मैंने ग्रीन चिली। इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल फाइन चॉप्ड ऑनियन। हमने इसमें 1 ऑनियन लिया है और साथ ही ये जो शिमला मिर्च है इसे भी मैंने बारीक काटा था। तो दोस्तों, सारी सब्जियां हमने भून ली है मीडियम फ्लेम पर और अब इसमें डाल रहे हैं स्पाइसेस, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और हमने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला है। मसाला अच्छे से भून जाए इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये बॉयल्ड पोटैटो। ये ध्यान रखना है आपको, ये पोटैटो जो है आपको उबालने के बाद लगभग 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखने हैं। उससे क्या होगा, ये आपके जो पोटैटो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे और इनमें नमी नहीं रहेगी। बातों बातों में ही मैंने इसमें टमाटो सॉस भी डाल दिया है और इसे कर लिया है बहुत अच्छे से मिक्स। हमने कर दी है गैस को बंद और अब इसे ठंडा होने देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है 2 ब्रेड स्लाइसेस और ये मसाला जो हमने बनाया है ठंडा हो चुका है। अच्छे से जब मसाला ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसमें फिल करना है। तो स्टफिंग को एकदम अच्छे से फिल कर देंगे इस तरह से, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए, मैंने दोनों ही स्लाइसेस में ये लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं या हरी चटनी जो ब्रेड है उसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है और इस तरह से इसे फोल्ड कर इसे रख देंगे। इसे मैं कट कर रही हूँ 2 भागों में। अगर आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बाद भी कट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पाव ब्रेड ली है। इसमें इस तरह से कट लगाया है जैसे हम पाव को सीखते हैं, उसी तरह से बस इसे अलग नहीं करेंगे और वही फॉलो करेंगे स्टेप। इसमें हमने डाल दी है स्टफिंग, इस तरह से भर दिया है इसे और इसमें भी स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और इसे रखेंगे। तो ये देखिए, हमारा घोल भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल और डाल दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसे किस तरह से डिप करना है। इसी तरह से सिंपल, जैसे हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें डाल देना है और इस तरह से इसे डिप करना है। पूरी ब्रेड पर मसाला लग चुका है अच्छे से। इसे हमने रख दिया है पैन में। पैन की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। दोनों ही मैंने स्लाइसेस रख दिए हैं और इसे कुक होने देंगे 10 मिनट के लो फ्लेम पर। एक साइड हमारी कुक हो चुकी है दोस्तों, तो दूसरी साइड से पलट देते हैं। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर रखना चाहते हैं तो रख दें, पर आप इसे चेक करते रहें। तो लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा था और 10 मिनट के लिए, देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो चुकी है और 2 मिनट के लिए मैंने इसे क्रिस्पी भी होने दिया। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, इस तरह का गोल्डन कलर आना चाहिए। तो दोस्तों, 2 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे और करेंगे इसको सर्व। सर्व करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमें पाव को किस तरह से सेकना है। ये देखिए, इसी तरह से मिक्सचर को हमने लगा दिया है, इसे ढककर कुक किया एक साइड से, दूसरी साइड को पलट दिया और फिर से ढककर कुक कर लिया। हमें पाव को सेकते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उन्हें भी अच्छे से सेक लेना है। तो हमारे सारे स्लाइसेस तैयार हैं, ब्रेड वाले स्लाइसेस और जो हमने पाव वाले स्लाइसेस लिए थे, दोनों ही रेडी हैं।
चलिए अब इसे करते हैं सर्व। और इस तरह से मैं इसे सर्व कर रही हूँ। दोस्तों, आपने इस तरह का ब्रेकफास्ट अगर कभी बनाया है या कभी कहीं खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही हेल्दी भी है, और इसमें बच्चों की सारी जो ज़रूरत पौष्टिक जो हमें देना है सब कुछ वो इसमें शामिल होगा, क्योंकि हमने इसे दाल और चावल से बनाया है। इसमें कई सारी सब्जियां भी डाली हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा और टेस्टी तो है ही। तो आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। अगर आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है चाट मसाला। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके जो भी अनुभव हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।